आप सबको शुभ हो। आज का वचन हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय 6 वचन। इस वचन में यूँ लिखा गया है कि खुदा का डर रहने से इंसान बुराई से हट जाता है। तो इस वचन से हम देखते हैं आजकल दुनिया में बहुत बुराई बढ़ते जा रही है। हम किसी को भी रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी को भी किसी भी बात का डर नहीं है। ना बच्चों को माँ बाप का डर है, ना जवान बच्चों को अपना फ्यूचर का डर है, ना औरत को आदमी का डर है, ना आदमी को औरत का डर है, ना किसी को भी किसी का परवाह नहीं। ये जो स्कूल में पढ़ते हो बच्चों को भी अपने टीचर्स का लेक्चरर्स का भी डर नहीं है, किसी से भी डर रहे नहीं, लेकिन जो मन में आता है वो करते जा रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि हमको कोई रुकाने वाला ही नहीं, हम जो मर्जी है हम कर सकते हैं, ये ज़िंदगी अपना है, हम इसे खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं या दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी तरह अपने आप को हम खुश रहना, बस आज का दिन का ही हम सोच रहे हैं, लेकिन कल का दिन क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये हम बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों को एक विजन नहीं रह रहा है और एक उम्मीद को जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा है तो पढ़ता है तो आगे जाके उसे काम मिलता है। तो जवान बच्चे जब काम करते उनका घर चलता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे भी जैसा मनमर्जी है कर रहे हैं और अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर आजकल देखे तो मोबाइल फ़ोन्स, नहीं तो टीवी, नहीं तो गलत बातों में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो अनपढ़ हो जा रहे हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं, तो जवानी में जाके उनको ठीक से जॉब्स नहीं मिलता। अगर जॉब नहीं है तो और पैसा नहीं, पैसा नहीं तो अच्छा फ्यूचर नहीं है, ना घर खरीद सकते, ना कार खरीद सकते, ना एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते। तो लेकिन हमें ये सब चाहिए, मतलब हमें पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए, ये सब चाहिए। तो जब हमें ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लोग बुराई के तरफ चले जा रहे, अपना मतलब चोरी करना या कुछ भी कर लेना, किसी को धोखा दे देना या बुरे अपने शरीर को बेचने को भी पीछे। आदमी लोग भी ऐसे हो गए, औरतें भी ऐसे हो गए, कैसा भी काम करके मतलब फ्री लाइफ इजी लाइफ हम लीड करना। तो हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंता नहीं है, ना हम हमारे माँ बाप का क्या हो जाएगा वो नहीं सोच रहे, हमारा इज्जत का क्या होगा वो भी नहीं सोच रहे, हमारा क्या होगा वो भी नहीं सोच रहे। जैसे पी के, ड्रग्स पी के जोर जोर से गाड़ियाँ चलाना, एक्सीडेंट हो जाना, मर जाना, या नहीं तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना, फिर उसके बाद में और कोई क्या कर सकता है। तो ये बात भूल जाते हैं कि खुदा एक है, उन्होंने ही हमें इस दुनिया में रखा है और इस दुनिया में हम हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हमें हम क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ खुदा ख्याल रखता है। हमारा वक्त कैसा बीता है, हम क्या बात कर रहे, कहाँ घूम रहे, वो मतलब अच्छे कामों में है या बुराई में है, ये सब कुछ खुदा देखता है। अगर हम किसी की भी बात नहीं मानते हैं तो खुदा अपने आप ही इन्वॉल्व होता है, पनिशमेंट देता है। जब वो पनिशमेंट देता है, वो पनिशमेंट से हम भूल जाते हैं कि कहाँ थे और कहाँ गिर गए, या कोई बीमारी आ सकता है, या कोई ज़िंदगी में जॉब चले जा सकता है, रोड के ऊपर बैठ सकता है, या लाइफ ही चले जा सकता है। तो ये बुराई बढ़ाने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, तो हम ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें अगर हम खुदा के
डर में जीते हैं। खुदा का वचन को हम पढ़ते हैं और खुदा क्योंकि इस पूरी धरती का मालिक है, हमें कहाँ सब कुछ बारिश देता है, हवा पानी सब कुछ खुदा ही देता है, तो उनका मन की बात, उनकी उनकी योजना क्या है हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए खुदा ने हमें रखा है। लेकिन हम मर जाएंगे, हम बिगड़ जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे या दुनिया में कैसे भी जिएंगे, इस प्रकार का जीना हमें खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन हम खुदा के खिलाफ जाते हैं, अगर खुदा के भय नहीं मानते हैं तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर एक आदमी बर्बाद होती है तो पूरा घर, फैमिली पूरा परेशान हो जाती है। तो एक एक फैमिली ख़राब होती है तो हमारा स्टेट खराब हो जाती है, हमारा देश खराब हो जाती है, तो एक कीड़ा पूरी दुनिया को और ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हम अपने आप को खुदा के हवाले करें, खुदा का भय माने। हमारे ऊपर खुदा है, चाहे कोई भी हो, कोई राजा है, राजा के ऊपर भी खुदा है, राजाओं का राजा है। अगर कोई मालिक है, मालिक के ऊपर एक बड़ा मालिक है, वो हिसाब पूछता है, तो आदमी का हिसाब पूछता है, औरत का हिसाब पूछता है, क्योंकि बच्चों को भी हिसाब पूछता है, सबको खुदा एक दिन जजमेंट करता है। तो हम ये नहीं सोचना कि ये इजी वे में चले जाएंगे, यानी तो मर जाएंगे, मरने के बाद भी